नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव में साधु यादव की एंट्री हो गई है। साधु यादव का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साले हैं अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव। साधु यादव ने इस बार बिहार विधानसभा में गोपालगंज सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन वाली पार्टी बसपा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले यह चर्चा थी कि साधु यादव कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया और अब साधु यादव बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। गोपालगंज विधानसभा सीट से इस बार महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने काली पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एनडीए की तरफ से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह मैदान में हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अनिरुद्ध प्रसाद यादव और साधु यादव यहाँ कुछ करिश्मा कर पाएंगे या पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में साधु यादव बरौली सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। आपको बता दें कि साधु यादव लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के भाई हैं, लेकिन अब साधु यादव का लालू परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। साधु यादव एक दबंग छवि के व्यक्ति हैं और इससे पहले साधु यादव गोपालगंज से ही सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है और साधु यादव के लिए राजनीति में वापसी करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि साधु यादव के अपने यानी कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू परिवार के तमाम लोग साधु यादव के साथ अब नहीं हैं। तो अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव ने गोपालगंज सीट से नामांकन कर दिया है और इसके साथ ही उनके ऊपर केस भी दर्ज हो गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल हुआ यह कि साधु यादव अपने सहयोगियों के साथ बन ठन कर नामांकन दाखिल करने पहुंचे, लेकिन बिना इजाजत लिए रैली निकालने के आरोप में साधु यादव पर FIR दर्ज हो गई है। साधु यादव पर स्थानीय CO ने आदर्श आचार संहिता नियम के उल्लंघन का आरोप लगाकर एक FIR दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में साधु यादव ने कहा कि उनके तरफ से किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों के भारी समर्थन के वजह से भीड़ हो गई थी और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में साधु यादव को झटके पर झटका लग रहा है। पहले तो कांग्रेस ने उनको दरकिनार कर दिया और अब जब बसपा के टिकट पर वह चुनाव लड़ रहे हैं तो नामांकन दाखिल करते ही उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। अब आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।